तो भाई मैंने देख ली है शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड मूवी जवान, और भाई मैं क्या कहूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं जैसे ही थिएटर से मूवी देख के निकला हूं ना, बस भाई मैं यही सोच रहा हूं कि आखिर इस मूवी की तारीफ में मैं क्या क्या बोलूंगा, क्योंकि इतना कुछ शानदार है इस मूवी में, इतना कुछ अच्छा है कि भाई एक वीडियो में बताया ही नहीं जा सकता। अगर एक लाइन में मुझे इस मूवी को रिव्यू करना होगा ना, तो भाई बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि चाहे तुम शाहरुख खान से नफरत ही क्यों ना करते हो, ये मूवी तुमको देखनी ही देखनी चाहिए, अपने परिवार के साथ देखनी चाहिए, क्योंकि भाई ये कुछ अलग ही बना दिया है। 2 घंटे 50 मिनट की मूवी आज के टाइम पे अगर तुम किसी को बताओगे तो बंदा यही कहेगा कि यार इतने देर तक हम थिएटर में बैठ भी पाएंगे, पर मैं तुमको लिख के दे रहा हूं, मैं तुमसे शर्त लगा रहा हूं कि जब ये मूवी चल रही होगी ना और जब ये मूवी खत्म होगी तो तुम्हें लगेगा भाई खत्म हो गई, अभी तो 3-4 घंटे और चलनी चाहिए थी। भाई इतनी शानदार मूवी, क्या कहूं इस बारे में। शाहरुख खान की एक्टिंग कह लो, नयनतारा का काम कह लो, विजय सेतुपति का काम कह लो, और डायरेक्टर एटली का डायरेक्शन कह लो, भाई मास्टरपीस क्रिएट कर दिया है। मैं ये कहने में 1% भी संकोच नहीं करूंगा कि ये बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मासी और कमर्शियल मूवी है, और कमर्शियल क्या भाई, बेस्ट मूवी है। देखो पैसा वसूल का जो असल मतलब होता है ना, तुम्हें ये मूवी बता देगी, क्योंकि भाई 2 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं हो रहा था कि हॉल में लोग शोर ना मचा रहे हो। अगर कुछ भी 3-4 सेकंड का साइलेंस हो रहा था, फिर कोई ऐसा सस्पेंस खुल रहा था, फिर कोई ऐसा सीन आ जा रहा था, लोग भाई चिल्ला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, शर्ट फाड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, भाई पेपर उड़ रहे थे थिएटर में भाई, और क्यों ना उड़े, मतलब मैं कह तो रहा हूं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है जिससे मैं इस मूवी को डिस्क्राइब कर सकूं। पर मैं एक तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं, जो कि मैंने पहले भी कर दिया था, कि ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लिख के ले लो, और इतनी आसानी से होगी ना कि आसपास भी आने वाले वक्त तक इस मूवी के आसपास भी कोई मूवी नहीं फटकेगी, चाहे कितनी बड़ी कमर्शियल मूवी आ जाए, ऐसी मूवी नहीं बन सकती, क्योंकि कमर्शियल मूवी के अंदर जो स्टोरी भी है एक नंबर, जिस तरीके से हर 5 मिनट में सस्पेंस खुल रहे थे एक नंबर, फाइटिंग सीन एक नंबर, और शाहरुख खान का वो जो बाप वाला कैरेक्टर है, वो जब एंट्री करेगा ना भाई, तुम कहोगे शाहरुख भाई ये अवतार कहां छुपा के रखे थे, एक एक सेकंड उस सीन का आपको ऐसा फील देगा, आपको लगेगा भैया सीधे आप स्वर्ग में बैठे हुए हो, क्योंकि ऐसी ही अनुभूति होगी कि मैं जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज देख रहा हूं। उसके अलावा जो साइड कैरेक्टर्स भी इस मूवी में हैं, उनका भी जो इमोशनल स्टोरी बैकग्राउंड में दिखाई जाती है, सब आपको इमोशनल भी करती है। कॉमेडी सीन्स आपको हल्का-फुल्का कॉमेडी भी फील कराते हैं, लेकिन कॉमेडी सीन्स उतना नहीं है, क्योंकि मूवी बहुत ज्यादा सीरियस टॉपिक पे है, सोशल मैसेज पे है, और वो सोशल मैसेज जब आखिर में शाहरुख खान आपकी आंखों में डाल के देंगे ना, आपको यहां हिट होगा और आप कहेंगे शाहरुख भाई ये क्या बना दिया है, आप क्यों नहीं बना रहे थे ऐसी मूवी। वो जीरो वीरो चलो ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, लेकिन ये मूवी तो आपको कब का बना देनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना होगा हमें डायरेक्टर एटली को, जिसने इस मूवी में शाहरुख खान को लिया, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं कोई और एक्टर ये काम नहीं कर सकता था, सिर्फ बॉलीवुड का ही नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं था जो ये काम डिलीवर कर सकता था। तो एटली भाई लव यू, शाहरुख भाई लव यू, और दीपिका पादुकोण की जो सीन्स हैं भैया अच्छे खासे सीन्स हैं, कहने को तो कैमियो कहा गया था लेकिन अच्छा खासा स्क्रीन टाइम उनको दिया गया है, उनकी भी स्टोरी आपको बहुत हद तक हिट करेगी। एक सेकंड के लिए भी जैसा मैंने कहा कि आपको इस मूवी में ऐसा नहीं लगेगा कि भाई थोड़ा सा ड्रैग कर रहे हैं, थोड़ा सा खींच रहे हैं, हर 2 मिनट में आप सीटी बजाओगे, हर 2 मिनट में आप चिल्लाओगे, हर 4-5 मिनट में आपको रोना भी आएगा, अंदर से दिल दर्द भी कर रहा होगा, लेकिन कभी कुछ ऐसा होगा कि आप फिर से सीटी बजाने लग जाओगे। तो सिंपल सा रिव्यू है, आंख बंद करके भैया मूवी देखने चले जाओ, हेटर हो तब भी देखने चले जाओ, मैं लिख के दे रहा हूं, तुम अफसोस नहीं करोगे। तो कौन कौन ये मूवी देखने वाला है कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना। बाकी जहां तक बात रही स्टार देने की, तो 5 में से भैया 500 स्टार इस मूवी को देता हूं, और मैं फिर से कह रहा हूं ये मूवी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। बाकी ऐसे ही जबरदस्त रिव्यूज के लिए अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और अगर गलती तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि भाई मैं कुछ फैन वैन हूंगा इसलिए ऐसा रिव्यू दे रहा हूं, तो मैं तुमको यह भी गारंटी दे रहा हूं कि आज के दिन पे तुम किसी भी YouTube चैनल पे जो कि मूवी रिव्यूज करता है, जाके इस मूवी का रिव्यू देख लो, अगर एक भी रिव्यूअर ने कह दिया कि मूवी खराब है, या एवरेज भी कह दिया, या फिर इसको मास्टरपीस नहीं बोला, बहुत ज्यादा इसकी तारीफ नहीं करी, सिर्फ हल्की फुल्की तारीफ भी करी होगी ना, तो भाई आज ये चैनल डिलीट मार दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया का कोई भी रिव्यूअर जिसने असल में मूवी देख ली है, इसके
बारे में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोल पाएगा, क्योंकि भाई ये चीज ही ऐसी बना दी है। तो जल्दी से जाके भैया मजे ले लो, फिर कहोगे साला क्या मिस कर दिया मैंने जिंदगी में, इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होता। तो जल्दी जाओ मूवी देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।